नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आइए एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटे के कोरोना के अपडेट पे। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से वृद्धि देखी जा रही है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी आई है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए बिहार सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मार्च के महीने के आखिरी सप्ताह में होली का त्यौहार है, ऐसे में प्रवासी बिहार के लोग बिहार आ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने अलर्ट जारी किया है। बिहार सरकार ने सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अब बस स्टैंड पर भी बिहार से बाहर से आने वाले लोगों पर नज़र रखी जा रही है। दूसरे प्रदेश से आने वाले लोगों से कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट मांगी जा रही है। इसके साथ ही अगर इसमें कोरोना के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो कोरोना जांच करने की भी बात कही गई है। वहीं अगर हम देश में कोरोना के मामलों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 29,000 से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं, जबकि 40,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 199 लोगों की मौत हो गई है। इधर बिहार में होली मिलन समारोह को भी रद्द कर दिया गया है और कहा है कि बिहार से बाहर से आने वाले लोग होम क्वारंटीन में रहें। ऐसे में आइए जान लेते हैं पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना की क्या स्थिति रही। बिहार में पिछले 24 घंटे में 43,844 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 90 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिहार सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल 2,61,537 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना से एक्टिव मरीजों की संख्या 560 है। तो आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं बिहार के जिलों के बारे में। अरवल में कोरोना के मामलों की संख्या में 0 है, यानी कि 0 है, कोई भी वहाँ पॉजिटिव नहीं है। अररिया में 2 है, औरंगाबाद में 3, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 8, भोजपुर में 4, दरभंगा में 2, गया में 2, गोपालगंज में 1, जहानाबाद में 1, कटिहार में 2, किशनगंज में 2, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 3, पटना में सबसे ज़्यादा 43 मामले सामने आए हैं, रोहतास में 1, समस्तीपुर में 2 मामले हैं, सारण में 1 मामला, शिवहर में कोई नहीं। सिवान की बात करें तो यहाँ भी 2 मामले सामने आए हैं, सारण में भी 1 मामले, वैशाली में 1, चंपारण में 1 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर हम वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की बात करें तो बिहार में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से की जा रही है। बिहार में अगर हम पहले डोज और दूसरे डोज को मिलाकर बात करें तो 22 मार्च 2021 को 71,522 लोगों को वैक्सीन दी गई। वहीं अगर हम बात अब तक के वैक्सीन की बात कर लें तो 19,89,636 लोगों को वैक्सीन दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं बिहार में फर्स्ट डोज के बारे में। तो 22 मार्च 2021 को पहले डोज की अगर हम बात करें तो 66,535 लोगों को दिया गया, यानी कि 66,535 लोगों को पहला डोज दिया गया। वहीं अगर हम अब तक की बात करें, अब तक पहले डोज कितना लोगों को दिया गया, तो वो है 15,98,636 लोगों को दिया गया। वहीं अगर हम दूसरे डोज की बात कर लें तो 22 मार्च को 4,987 लोगों को दूसरा डोज दिया गया। अगर हम अब तक के दूसरे डोज की बात कर लें तो वो है 3,91,239 लोगों को यह पूरा डोज दिया गया। तो ये थे पिछले 24 घंटे के कोरोना की रिपोर्ट। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।